शाहरुख खान हाल ही में अभिषेक बच्चन को 12.5 लाख की मोटरसाइकिल गिफ्ट करके न्यूज में छाए रहे। रिपोर्टेडली अभिषेक ने शाहरुख को एक बाइसिकल गिफ्ट की थी और शाहरुख खान ने बतौर रिटर्न गिफ्ट अभिषेक को इतनी एक्सपेंसिव मोटरबाइक दी। महंगे तोहफे देना शायद शाहरुख का स्टाइल है। शाहरुख ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी एक एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल गिफ्ट की थी। रिपोर्टेडली फिल्म रावण के लिए जब संजय दत्त ने कोई फीस नहीं ली तब शाहरुख ने उन्हें 15 लाख की एक मोटरसाइकिल दे दी थी। और अर्जुन रामपाल, रजनीकांत और रावण के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को शाहरुख ने 1 करोड़ की कार गिफ्ट की। शाहरुख ने तब भी सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम और मैं हूं ना के रिलीज के बाद फराह खान को हाई एंड लग्जूरियस कार्स देकर अपनी खुशी जाहिर की थी। सलमान खान 2 ग्रैब्स अटेंशन फॉर हिज फ्लैशी गिफ्ट्स। फेविकॉल डांस नंबर करने के लिए करीना पैसे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपेरेंटली सलमान ने उन्हें लाखों की एक कार देकर थैंक्स कहा। खबरों की माने तो सलमान ने कटरीना कैफ को 2 बेहद एक्सपेंसिव कार्स गिफ्ट में दी थी। न्यूज थी कि जब एक बार सलमान खान ने रणबीर कपूर को अपसेट किया था तो इसकी भरपाई करने के लिए सलमान ने रणबीर को लाखों की एक घड़ी तोहफे में दी। चिकनी चमेली सॉन्ग पर ठुमके लगाने के लिए कटरीना ने करण जौहर से कुछ भी चार्ज नहीं किया, बट अपेरेंटली एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन करण ने कटरीना को 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की एक पॉश कार गिफ्ट में दी। वहीं जॉन अब्राहम ने भी शूट आउट एट वडाला की सक्सेस के बाद संजय गुप्ता को एक महंगी मोटरबाइक गिफ्ट कर दी थी। खबरों की माने तो फिल्म जंजीर के डायरेक्टर को संजय ने अपनी एक बेहद महंगी घड़ी दे दी थी। संजय ने वाइफ मान्यता को 3 करोड़ की एक आलीशान कार तोहफे में दी। अमिताभ बच्चन को विधु विनोद चोपड़ा ने करोड़ों की एक पॉश कार देकर अपनी खुशी जाहिर की थी जब अमिताभ ने उनकी फिल्म एकलव्य में काम किया था। बॉलीवुड स्टार्स फ्लैशी और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर कभी दिखाते हैं खुशी तो कभी अप्रिसिएशन, और महंगे तोहफे स्टार्स को दिला देते हैं ढेर सारा अटेंशन। सिमी, स्टार्स के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने के पीछे क्या वजह है? क्या दोस्ती है, प्यार है या फिर कुछ और? मैं तो यही बिलीव करना चाहती कि प्यार है, दोस्ती है, लेकिन फिर ये पब्लिसाइज क्यों करते हैं? और जब भी एक दूसरे को तोहफे देते हैं, महंगे हों या सस्ते हों, ये सब हम लोग पढ़ते क्यों हैं न्यूज़पेपर्स में? तो आई थिंक जब ये पब्लिसाइज करते हैं तो इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, डोंट यू थिंक सो? एब्सोल्युटली। वेल, हाल ही में न्यूज़ आया था दैट शाहरुख खान हैज गिफ्टेड अ मोटरबाइक टू अभिषेक बच्चन, व्हाट्स दैट अबाउट? इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपने ये कहा कि न्यूज़ आया था कि शाहरुख खान ने अभिषेक बच्चन को एक बाइक गिफ्ट की, बट यहाँ पर ये न्यूज़ पेपर्स में या मीडिया में नहीं आई थी, ये बात इन्होंने खुद ट्वीट की थी। सो दैट मीन्स दे देमसेल्व्स लीक्ड आउट दिस न्यूज़। एंड व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड हियर इज़ कि इनकी पिक्चर आ रही है हैप्पी न्यू ईयर, बोथ ऑफ देम स्टार इन दिस फिल्म, एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट शाहरुख खान, हु इज़ अदरवाइज अ वेरी जेनरस पर्सन, he loves gifting people, but he gives a bike to Abhishek Bachchan, who is his co-star. So ye apne co-star ko ek gift dete hain 12.5 lakhs ka, sirf 12.5 lakhs. Agar aaj ye publicity, paid publicity arrange karte to shayad inhe 12.5 lakhs ki publicity nahi milti, aur agar ye log micro blogging site par jate तो इन्हें कोई इतना सस्ता बहाना भी नहीं मिलता। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, 12.5 लाख में इन्हें पब्लिसिटी बहुत ही सस्ती मिल गई। वेल, करण जौहर ने भी कटरीना कैफ को एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी। वेल, शी डिड एन आइटम सॉन्ग फॉर हिम, चिकनी चमेली, एंड उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी। कहने के लिए तो सिर्फ एक आइटम सॉन्ग है, लेकिन अक्सर उसमें काफ़ी मेहनत जाती है, और कटरीना कैफ को उसके लिए काफ़ी वर्कआउट करना पड़ा होगा, एंड इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एन आइटम सॉन्ग। द हीरोइन हैज़ टू लुक रियली गुड एंड इट टेक्स अ फ्यू डेज, एंड समटाइम्स इट इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म एंड इट्स फेयर एंड स्क्वेयर, एंड अगेन we are still talking about it, so there's also publicity involved. Also, sometimes it's about reciprocation. यहाँ पर हम सिर्फ publicity की बात कर रहे हैं, but पहले अभिषेक बच्चन ने एक cycle दी थी शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान भी पीछे क्यों हटते? तो उन्होंने cycle के बदले उन्हें motorcycle gift कर दी। Yeah,
तो ऐसे लग रहा है कि मोस्टली इट्स मोटिवेटेड बाय पब्लिसिटी. डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये इन्हें बहुत ही सस्ते पड़ते हैं ऐसे जेस्चर्स. दे गेट रिटन अबाउट, दे गेट टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडियम्स. एंड ये इन्हें सस्ते पड़ते हैं बिकॉज ये एक अगर डिजाइनर बैग भी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं या एक वॉच भी गिफ्ट करते हैं, यहाँ पे इट्स नॉट वेरी ऑफन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट यू नो लग्जरी कार्स जो करोड़ों की होती हैं. एक छोटी सी घड़ी की बात कर लो या एक डिजाइनर बैग की बात कर लो, जो एक लाखों का गिफ्ट होता है, वो भी लोग इतना पब्लिसाइज कर लेते हैं. सो इट्स प्रॉब्ली चीपर देन हायरिंग अ पब्लिसिस्ट और यू नो पेइंग फॉर पब्लिसिटी. सो इट्स मच चीपर एंड इफेक्टिव एंड दे आर गेटिंग द पिक्चर्स क्लिक विद द ब्रांड. समटाइम्स दे आर इवन बेनिफिटिंग फ्रॉम द ब्रांड और जो ब्रांड्स हैं इन्हें शायद फ्री भी दे रहे हैं. कई बार ये लोग ब्रांड्स को एंडोर्स भी कर रहे होते हैं, तो चलो एक दूसरे को फ्री भी दे दिया, दूसरे स्टार को भी यूज़ कर लिया एंड खुद भी पब्लिसिटी पा ली, दूसरे को भी पब्लिसिटी दे दी एंड ऑल्सो दे आर मैनेजिंग टू प्रमोट अ ब्रांड. सो इट्स किलिंग मैनी बर्ड्स विद वन स्टोन. एट द एंड ऑफ इट डू नॉट फॉरगेट दैट आर स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिजनेस सैवी एंड ऑफकोर्स मीडिया सैवी. सिमी, हमने ट्विटर पर हमारे व्यूअर्स से पूछा कि स्टार्स एक दूसरे के साथ जो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं उसके पीछे क्या दोस्ती है, प्यार है या फिर पब्लिसिटी. हमारे जो व्यूअर आशुतोष हैं वो लिखते हैं कि इट्स मोर ऑफ अ रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज इशू, कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. हमारे जो व्यूअर हैं जतिन, ही सीम्स टू बी अ डाई हार्ड सलमान खान फैन. वो कहते हैं कि सलमान हैज़ अ गोल्डन हार्ट एंड ही इज नॉट वेरी श्योर अबाउट शाहरुख खान. सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड ईयर फॉर आवर व्यूअर्स एज मच एज इट इज फॉर अस. बट देन इफ दे डू नॉट सीक पब्लिसिटी इट वुड हैव बीन डिफरेंट. बट जब तक ये बात स्टार्स लीक करते रहेंगे तब तक हम इस बात को जेन्युइन नहीं समझेंगे. Absolutely. Well, Simi, thank you so much for being on Page 3. It was so fun speaking with you again. It's always my pleasure.